इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आईपीएस यादव, एडिटर इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है छोटी खबरें बड़ा असर। खबर नंबर एक, सिटीजनशिप कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी, भारी तनाव बना हुआ है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन और छात्रों की बर्बर पिटाई के बाद रात भर पुलिस मुख्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। जामिया के साथ जेएनयू और डीयू के छात्र जामिया के छात्रों के समर्थन में जुटे, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तड़के 4 बजे करीब छात्र पुलिस मुख्यालय से हट गए। इससे पहले कल शाम जामिया नगर में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन बेकाबू हो गया। कुछ लोग हिंसा और आगजनी पर उतर आए। अज्ञात लोगों ने बसों को फूंक दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। खबर नंबर दो, देश भर में नागरिकता कानून का भारी विरोध। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून का भारी विरोध हो रहा है। दिल्ली, अलीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, कई शहरों में नए कानून के विरोध में रैलियां निकाली गई। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर इतनी अशांति फैल गई कि हर जगह कर्फ्यू लगाया गया और पुलिस को तैनात किया गया, सेना को बुला लिया गया। पुलिस की गोलाबारी में 2 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल से हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। वहीं 3 रेलवे स्टेशन, 5 ट्रेनें, 20 दुकानें आग के हवाले कर दिए गए। इस वजह से 28 एक्सप्रेस और 78 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। पूर्वोत्तर में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उबलने लगा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए। पिछले कई दिनों से इसका विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को दिन भर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के साथ उनकी रस्साकसी चलती रही। दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर आक्रोशित जनता AMU के छात्रों ने प्रदर्शन किया। अमित शाह ने कानून में बदलाव का दिया संकेत। गृहमंत्री शाह ने नागरिकता कानून में बदलाव के संकेत दिए हैं। शनिवार को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि क्रिसमस के बाद वह इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं, रचनात्मक तरीके से समाधान ढूंढने में वह सोच सकते हैं, किसी को इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। शाह ने उत्तर पूर्व के लोगों को आश्वासन दिया कि इस अधिनियम में उनकी भाषा, संस्कृति और सामाजिक और राजनीतिक पहचान और अधिकार को प्रभावित नहीं होने। जरूरी दवाएं हुई महंगी। सरकार ने व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ा दी हैं। इन दवाओं में प्रमुख एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी, मलेरिया रोधी दवाएं, BGC वैक्सीन और विटामिन सी शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने शुक्रवार को 21 फॉर्मुलेशन की उच्चतम कीमतों में 50% की वृद्धि कर दी है। अगली खबर, इन्वेस्टमेंट आइडिया। रेगुलर इनकम के लिए 4 शानदार उपाय। रिटायरमेंट के बाद तो चुनौतियां सामने आएंगी ही, इसके लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसी बहुत सारी स्कीम मिल जाएंगी जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देती हैं। इनमें मासिक इनकम योजनाएं भी शामिल हैं। वैसे आपको बता दें, रेगुलर इनकम के लिए मासिक इनकम योजनाओं को ही बेस्ट माना जाता है। अगर आप रिटायर नहीं हुए हैं तो ऐसी किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। खबर नंबर 7, साल 2019 क्या सीखा म्यूचुअल फंड निवेशकों ने, जोखिम वाला हिस्सा। इस साल बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों, खासकर क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करने वालों को काफी सख्त तरीके से सीखने को मिला है। यहां तक कि फिक्स्ड मैच्योरिटी वाली योजनाओं में भी निवेश करने वाले अल्ट्रा कंजर्वेटिव निवेशक को भी जानकर झटका लगा है कि निश्चित समय के लिए निवेश को लॉक कर देने से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। प्याज ने बना दिया करोड़पति, कर्ज लेकर की थी खेती। देश में ऐसा भी किसान है जिसने कर्ज लेकर खेती की और कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया। जी हाँ, जहाँ प्याज के दाम बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं देश में एक किसान ऐसा भी है जो करोड़पति बन गया। इस किसान के पास केवल 10 एकड़ जमीन थी, इलाके में सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही थी। ऐसे में इस किसान ने प्याज पर दाम लगाया। गोदी मीडिया के बड़े भक्त पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बदले सुर, बोले RSS के दबाव में BJP सरकार कर रही है कांग्रेस से भी बड़ी गलती।
रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी को अक्सर भाजपा समर्थक पत्रकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने शो द डिबेट में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर प्रहार किया है। अर्णव ने कहा है कि मुद्दा हमेशा से अवैध प्रवासियों का रहा है, न कि उनके धर्म का। भाजपा संघ परिवार को खुश करने में लगी है। उन्होंने भाजपा सरकार को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। मदर डेयरी और अमूल ने एक साथ किराए बढ़ाए दूध के दाम। दूध की दोनों सबसे बड़ी प्रमुख कंपनियां अमूल और मदर डेयरी ने एक साथ दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल ने गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल और मुंबई सहित महाराष्ट्र में 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। वहीं मदर डेयरी ने केवल दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी ने टॉन्ड, डबल टॉन्ड और गाय के दूध में प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ाए हैं। सत्तानवे में जन्मदिन पर दिलीप कुमार को शानदार तोहफा। बीते 11 दिसंबर 2019 को दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान ने अपना जन्मदिन मनाया और अब वो 97 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर कुछ ऐसा हुआ जो कि हमारे सिनेमा जगत को काफी गौरवान्वित करता है, क्योंकि इस खास मौके पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित कर इस मौके को और भी ज्यादा खुशगवार बना दिया है। अगला खबर, मर्दानी 2 फिल्म रिव्यू। देश में हो रही रेप की दर्दनाक घटनाओं के बीच आई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। यह लोगों को सचेत और कानून को मजबूत होने का संदेश देती है और काफी हद तक निर्देशक गोपी पोथरन इसमें सफल भी रहे हैं। रानी मुखर्जी के साथ साथ फिल्म में मुख्य विलेन किरदार कर रहे हैं विशाल जेठवा, जो काफी दमदार किरदार में नजर आए। अगली खबर, सलमान खान के घर में है बम और फटेगा सिर्फ 2 घंटे में, रोको तो रोक लो। मुंबई पुलिस में हड़कंप। मुंबई पुलिस में आज अफरा तफरी मच गई जब उन्हें एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित में घर में बम है जो 2 घंटे में फट जाएगा। इतना नहीं, मुंबई पुलिस की धमकी भी मिली कि रोक सको तो रोक लो। इसके बाद मुंबई पुलिस में अफरा तफरी मच गई। सलमान खान के घर को पहुंचकर पूरी तरह से कोना कोना छार मारा गया, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई बम नहीं मिला। अगली खबर, एक्ट्रेस पायल रोहतगी गिरफ्तार। शशि थरूर ने धोया, बेवकूफों को भी हक है बोलने का, जेल में मत डालो। एक्ट्रेस और पायल रोहतगी को राजस्थान पुलिस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता और पत्नी मोतीलाल नेहरू और कमला नेहरू पर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। ये बात खुद पायल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कंफर्म की और लिखा कि मुझे मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर और आखिरी खबर, महारानी को चाहिए ट्विटर हैंडलर। वेतन मिलेगा 47 लाख रुपए प्रतिमाह। यूके की महारानी एलिजाबेथ 2 एक सोशल मीडिया गुरु की तलाश में है जो उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फॉलोअर बढ़ाने में उनकी मदद करे। अगर आप सोशल मीडिया खासकर ट्विटर में रुचि रखते हैं और यदि आपके पास बेहतर अनुभव और डिजिटल प्लेटफॉर्म के तकनीकी पहलुओं पर अच्छी पकड़ है तो आप लाखों रुपए की जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल छोटी खबरों के इस बड़े बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिलहाल इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय पर। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया आजकल को अपने सोशल मीडिया सर्कल में अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पर।